नमस्कार मेरे वॉरियर्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चलिए आज हम आप लोगों के लिए कोई स्पेशल टॉपिक्स पर क्लास नहीं करने आए हैं। आज हम आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आए हैं। और आप लोग को पता है कि इस कोरोना के संकट काल में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, और वह खुशखबरी शायद आप लोग को पता चल चुका होगा, वह है बिहार दरोगा की वैकेंसी फिर से आई है। और हम आप लोगों को बार बार कहते थे भाई कि देखिए आप लोग इस तरह से मत बनाइए एक कंसेप्ट कि वैकेंसी नहीं आएगी, अब कोई एग्जाम नहीं होगा। ऐसा नहीं होना है भाई, वैकेंसी आई और हम बार बार आप लोगों से ऐसा कह रहे थे, लेकिन आप लोग तो मेरे रिक्वेस्ट पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे भाई। आज बिहार दरोगा की 2020 वैकेंसी फिर से आई है, क्लियर है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो है 2213 पद के लिए आई है, इसमें सार्जेंट का पद भी शामिल है। तो आप समझिए कि ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। आपको हम अगर पूरा बारीकी से बताएं तो हम जब से हम उस समय ग्रेजुएशन में ही थे, उस समय वैकेंसी आई थी 1994 में, याद कीजिए दरोगा की वैकेंसी 1994 में 1610 पद के लिए वैकेंसी आई थी। फिर 2004 में 1500 के लगभग, 2014 में 176, 2017 में 1700, 2019 में 2446, कितने वैकेंसी भाई 2446 2019, और 2020 में आया है 2213। तो अभी 2019 वाले दरोगा एग्जाम में जिन बच्चों का पीटी में नहीं हुआ है उनके लिए, और जिनका अभी मेंस बाकी है उनके लिए, दोनों के लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर आया है। और अब आप लोगों को जुनून बनाना पड़ेगा, और ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। और आप लोग को पता है कि नॉन गजेटेड पोस्ट में इससे अच्छा कोई पद नहीं होता है भाई। और प्रशासन से जुड़ने का, लोगों की सेवा करने का, समाज के लिए कुछ करने का अगर आप में जज्बा है तो आप इस परीक्षा के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। ये बहुत जबरदस्त वैकेंसी है। और हम लोगों के ऐसे जो निम्न मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर है। और देखिए 2019 में आया है 2446 वैकेंसी, जिसका अभी मेन होना है, और मेन होने की जो संभावना है वो सितंबर लास्ट तक हो सकता है। तो जो लोग मेन दे रहे हैं वो सितंबर लास्ट तक हो सकता है कि आपका एग्जाम हो जाए, और ये जो 2020 वाली वैकेंसी आई है ये दिसंबर तक आपका होगा। और पिछले बार के ही तरफ फिर से आप लोग अभी से समय बर्बाद कीजिए कि जब तक फॉर्म नहीं भर लेंगे तैयारी नहीं करेंगे, फॉर्म भर लेंगे तो देखेंगे, और जब तक आप लोग ये देखने के मूड में रहते हैं ना और इस मूड से बाहर आते हैं तब तक एग्जाम आप लोग के सामने हो जाता है और आप लोग घबरा जाते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, या हम तो पहले से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं हमेशा उसकी बात करते हैं। देखिए कंपटीशन में उसी बच्चे का होता है जो लगातार तैयारी करते रहते हैं, जो लगातार लगे रहते हैं। और हम अपने 10 साल पढ़ाई के क्रम में और 10 साल से पढ़ाने का जो अनुभव लिए हैं उसमें मेरा अनुभव यही कहता है कि जो बच्चा लगातार लगा हुआ है वही सफल होगा। और अगर आप मेरे बारे में जानते हैं, मेरे बारे में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोग के पास है तो आप लोग पता कीजिए। हम जब से कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तब से दरोगा का 4 बार वैकेंसी आ चुका है, और 4 बार, और 1 बार झारखंड, 5 बार नहीं 2 बार झारखंड, 6 बार हम लगभग दरोगा का तैयारी करवाए हैं। और बहुत बड़ी संख्या में मेरे पास बैच बनता है दरोगा के लिए, और हर बार सफल विद्यार्थियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तो एक बार फिर से आप लोगों के पास
अवसर आया है, इस अवसर का फायदा उठाइए। और हम आज से आप लोगों के साथ एक नारा दे रहे हैं, वर्दी मेरा जुनून। क्या नारा होगा हम लोगों का? वर्दी मेरा जुनून। और आप लोग को पता है हम एक जुनूनी शिक्षक हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं, और सफलता बगैर मेहनत का मिलना नहीं है, मेहनत ही करना है और किसी चीज में विश्वास नहीं करना है। बहुत मार्केट में निगेटिव बातें आती हैं कि नहीं भाई सेटिंग से हो जाता है, पैसे से सीट बिक जाता है, इन सबों पर आपको ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है, मेहनत करना है और मेहनत से ही सफलता हासिल करना है, यही हमारे हाथ में है। अच्छा, अगर मानिए आप लोगों से कोई कहे कि हम दरोगा का पद आपको दिलवा देंगे, 10 लाख रुपया दीजिए, क्या आप लोग 10 लाख रुपया देने की स्थिति में हैं? मोस्टली स्टूडेंट नहीं है, कुछ हैं दो चार, लेकिन अधिकांश बच्चे 10 लाख रुपया की व्यवस्था करके ये रिस्क ले ऐसी स्थिति में नहीं है। तो अब आप ही बताइए आपके पास क्या उपाय है। आपके पास एकमात्र उपाय है, आप मेहनत कीजिए और पूरा विश्वास कीजिए मेरे ऊपर, और हम आप लोग से वादा करते हैं कि इस वैकेंसी में हम हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे, वीडियो के माध्यम से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, क्विज के माध्यम से, और जो भी वीडियो आएगी उसका पीडीएफ आप लोग को उपलब्ध करवाएंगे। तो जुड़े रहिए मेरे साथ और इस जुनून को पूरा कीजिए। और क्या नारा होगा हम लोग का? वर्दी मेरा जुनून। क्या नारा है भाई, बताइए हम लोग क्या नारा देंगे आज से? वर्दी मेरा जुनून। क्लियर है? वर्दी मेरा जुनून, क्या नारा होगा हम लोगों का? वर्दी मेरा जुनून। और अगर जीवन में किसी तरह का बदलाव चाहते हैं, जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं, तो आज से प्रण कीजिए कि हम आपके साथ जुड़ेंगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप 30% मेहनत करेंगे तो हम आपके साथ 60% करेंगे, अगर आप 40% करेंगे तो हम 80% करेंगे, आपसे दुगुना मेहनत करेंगे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। क्लियर है भाई? तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है। और एक बात आप लोग को कहेंगे कि देखिए 2019 में वैकेंसी आया है, 2020 में आया है, और अगर ये मौका आप खो दिए तो आगे हमारे से कम 5 वर्ष तक इस सेक्टर में तो कोई वैकेंसी नहीं होगी, ऐसा हम अनुमान लगा रहे हैं भाई, क्योंकि बड़ी बड़ी वैकेंसी लगातार आ गई तो आगे अब इसके आने की संभावना कम है। तो ये मौका अगर आप इस बार गवा दिए तो आगे फिर आपको हमारे समस्या जो अभी तैयारी में है, मेन स्ट्रीम में है, उसको तो मौका नहीं मिलेगा भाई। नए बच्चे को मौका मिलेगा 4 साल 5 साल बाद, लेकिन आप लोग जो अभी तैयारी में हैं उनको तो फिर दोबारा मौका नहीं मिलना है, ये नोट कर लीजिए आप लोग। क्लियर है? तो चलिए भाई, आप लोग एकदम आज से ही लग जाइए और किसी भी तरह के निगेटिव थॉट को अपने दिमाग में मत लाइए। अभी बहुत वैकेंसी आएगी और आप लोग के पास मौका है कुछ करने का, जीवन में बदलाव लाने का, अपने परिवार के, अपने समाज के लिए कुछ करने का। क्लियर है? और हम लोगों के पास यही एक अवसर है कि हम लोग को जीवन में अगर अच्छा करना है तो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक ही विकल्प है, और यह है गवर्नमेंट जॉब। और ये वैकेंसी आना शुरू हुई है और अभी आएगी। अभी आप लगातार मेहनत कीजिए, जिनके साथ कर रहे हो उन पर विश्वास कीजिए और मेहनत कीजिए। अगर मेरे ऊपर विश्वास है, मेरा रिजल्ट अगर आप लोग जानते हैं कि हम कितने विद्यार्थी को आज तक सफल करवा पाए हैं, तो आप मेरे साथ जुड़िए। अन्य कोई टीचर अगर आपको लगता है कि वो आपको सफल करा पाएंगे तो उनके साथ जुड़िए। लेकिन अगर ऐसा भी लगता है कि नहीं हम किसी टीचर के बिना सहयोग का सेल्फ स्टडी से कर पाएंगे, तो वो भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन लगिए भाई। मेरा बस एक ही कहना है कि अभी से लग जाइए, कोई बहानाबाजी नहीं चलेगा कि नहीं ये हो गया वो हो गया, गांव पर थे, बुक नहीं मिल रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, ये नहीं चलेगा। अब सारे
प्रॉब्लम्स को दूर कीजिए और लग जाइए, अभी से लग जाइए, ये बहुत बड़ा अवसर है। और अभी और आप लोगों के पास अवसर आएंगे। हम बार बार आप लोग से कहते थे भाई कि आप लोग घबराइए मत, वैकेंसी आएगी। आप लोग तो सोचते थे कि अरे सर तो इसी तरह बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि हमेशा के लिए वैकेंसी बंद हो जाएगी, अब वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा कभी नहीं होता है। और आप लोग को पता है हर अंधेरी काली रात के बाद सवेरे होता है, सवेरा होता है, क्लियर है। और वही है अब आप लोग एकदम बिना किसी समय गवाए इस तैयारी में लग जाइए। और सबसे बड़ी बात है कि आप अगर हमसे पूछते हैं कि सर आप हम लोग को क्या मदद करेंगे, तो देखिए हम इसमें फ्री कोर्स भी लॉन्च करेंगे YouTube पर और पेड कोर्स भी लॉन्च करेंगे। आप जिसमें शामिल होना चाहते हैं शामिल होइए। अब स्वाभाविक है आप लोग के मन में एक प्रश्न होगा कि सर फ्री वाले बैच में और पेड कोर्स में क्या अंतर होगा। तो देखिए पेड कोर्स जब भी होगा तो वो मेरे रोजी रोटी के लिए होगा, वही मेरा व्यवसाय है, तो स्वाभाविक है उसमें हम ज्यादा अच्छा करेंगे। अब ये नहीं कहने का मतलब है कि फ्री वाला कोई बच्चा अगर मेरे YouTube चैनल से जुड़ा है उसको हम कुछ नहीं देंगे, कंटेंट सेम होगा, लेकिन अगर आप पेड कोर्स में हैं तो आपका टेस्ट नियमित होगा। और टेस्ट से आप लोग भागते हैं, पिछले बार भी हम बिहार दरोगा वाले बैच में देखे थे, एक एक बैच में 60 70 80 बच्चे थे लेकिन टेस्ट में 20 बच्चे बैठते थे, रिजल्ट भी उतने बच्चे का हुआ। तो जो टेस्ट देंगे, जो टेस्ट सीरीज में ईमानदारी से भाग लेंगे उसी का होगा। तो पेड कोर्स में टेस्ट सीरीज होगा, उसका एक्सप्लेनेशन होगा, प्रतिदिन जब भी कोई टॉपिक्स कंप्लीट होगा तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास में ही प्रैक्टिस होगा। तो ये सारे पेड कोर्स में होंगे। और आप लोगों का जो यूट्यूब चैनल पर बिहार दरोगा का जो मेरा आ रहा है वीडियो, अब नियमित आएगा आप लोग को, और उस पर आप लोग फोकस कीजिए तो भी सफलता आप लोगों को मिलेगी, क्लियर है। तो पेड कोर्स और फ्री कोर्स दोनों मेरा चलेगा यूट्यूब पर एक साथ। एक बात अभी आप लोग देखिए, पिछले इसी वीक से हम आप लोग का रात 9 बजे लाइव आ रहे हैं क्विज मैनिया सेशन में, और इस सेशन में किसी एक टॉपिक्स को पकड़कर आप लोग को क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इसमें जो क्वेश्चन लिया जा रहा है वो पिछले 15-20 वर्ष में पूछे गए किसी भी एग्जाम का प्रश्न ही है। अगर कोई बच्चे किसी टॉपिक्स का, मान लो एक टॉपिक्स कल हम लोग करवाए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें जितना भी क्वेश्चन बनता है सारे क्वेश्चन की चर्चा जो एग्जाम में पूछा है वो हम आप लोग को क्विज सेशन में करवा दिए। अगर उसी को बार बार आप लोग करेंगे ना, उसी से क्वेश्चन रहेगा। आज जैसे 9 बजे फिर से हम लोगों का एक सेशन है, और इस सेशन में हम लोग कर रहे हैं विटामिन एंड न्यूट्रिशन, विटामिन एवं पोषण। अब इस टॉपिक्स में हम देखें कि पिछले 15-20 वर्ष में लगभग 100-125 क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन को अगर हटा दें हम और अच्छे क्वेश्चन को ले लें। अब कुछ क्वेश्चन ऐसा है ना कि बहुत कॉमन क्वेश्चन है, अब रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है, ऐसे क्वेश्चन सारे बच्चे जानते हैं, उस क्वेश्चन को अगर हटा दें हम तो 70 क्वेश्चन चुनकर हम रखें, और इसको दो पार्ट में करवा रहे हैं आज और कल, तो ये टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और ये 70 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं अच्छे से तो किसी भी एग्जाम में आप अच्छे से इस टॉपिक से पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आप लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है, जो फ्री है उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं लग रहा है आप लोग को, क्विज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े, और आज से ही जुड़े, यानी कि कल से जुड़ेंगे, मंडे से जुड़ेंगे, पंडित जी से दिखवा लेंगे दिन कि ट्यूसडे बजरंगबली का दिन है उस दिन से जुड़ेंगे। इस तरह से समय नहीं बर्बाद कीजिए, समय कम है आप लोगों के पास। फिर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप लोग से, संभवतः ये एग्जाम दिसंबर में आप लोगों का हो जाएगा, और फिर आप लोग के साथ पिछले बार के ही तरह रहेगा कि 2 महीने के बाद आप लोग इंक्वायरी में आएंगे
तीन महीने बाद एडमिशन लेंगे, पता चला एक महीने के बाद एग्जाम है। अब आप ही बताइए कि एक महीने में हम लोग क्या कर पाएंगे, या कोई भी शिक्षक, कोई भी टीचर जिनसे आप जुड़ेंगे वो क्या कर पाएंगे आपके लिए। इतना बड़ा सिलेबस है जीएस का, और आप लोग को पता है ना 100 क्वेश्चन जीएस का रहता है। कितना क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। अब इसमें आप लोग को कितना पार्ट पढ़ना है ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और फिर कैसे तैयारी करें, इस रणनीति के साथ हम एक नए वीडियो में आएंगे आप लोग के पास, आप लोग के साथ, और उस सेशन में चर्चा करेंगे। आज सिर्फ आप लोगों का जुनून जगाने के लिए हम आए हैं, और हम बार बार आप लोग को क्लास में भी कहते हैं, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जुनून, सक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जुनून। सफलता और जुनून डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है? सफलता और जुनून, अगर सफलता प्राप्त करना है तो जुनून को बढ़ाना होगा, सफलता प्राप्त करना है तो जुनूनी बनना पड़ेगा। क्लियर है भाई? एक बार लगा दो जी जान से कि ले ही लेंगे इस बार, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। जो जो आप चाहे होंगे ना कि ये हमको मिलना चाहिए, ये हमारे जीवन में हमको मिलना चाहिए, सब कुछ हासिल हो जाएगा इस एक वैकेंसी को क्लियर करने से। तो आज से ही आप लोग जी जान लगा दीजिए, और बताइए मेरा क्या नारा है, बर्दी मेरा जुनून। क्या नारा होगा हम लोगों का? बर्दी मेरा जुनून। और लेकर ही रहेंगे, लेंगे या फिर क्या बोले हम जो बार बार बोलते हैं, करो या मरो। अब कहने का अर्थ है कि मरो मत भाई, अब ऐसा मत कहना कि सर बोले थे मर जाने, पहले हम क्या कह रहे हैं, करो। तो आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए करने पर, मरने पर नहीं। आप लोग क्या सोचेंगे, सर तो बोल रहे हैं करो या मरो, कब मरो, जब ना कर सको तो, क्लियर है? लेकिन ऐसा मत कहिए, आप में क्षमता है और आप कर सकते हैं, बस ये विश्वास जगाने की जरूरत है। अगर ये विश्वास आप अपने अंदर जगा लिए, कोई नहीं रोक सकता है आपको सफलता से। और आप लोग तो सौभाग्यशाली हैं कि आपके साथ एक अनुभवी शिक्षक जुड़े हुए हैं, और ये सौभाग्य बहुत कम लोगों को प्राप्त होता है, आज तो आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस तरह से समझिए बात को, और बिना समय गंवाए, जो लोग पिछले एग्जाम में पीटी में उत्तीर्ण नहीं हो पाए थे, पास नहीं कर पाए थे, क्लियर नहीं कर पाए थे वो भी, और जो मेंस दे रहे हैं वो भी, तो स्वाभाविक है भाई, जो मेंस दे रहा है वो तो पढ़ ही रहे हैं लगातार, जो अनुत्तीर्ण रहे हैं पिछले पीटी में वो तो आराम कर रहे होंगे, वो भी इस कोरोना काल में 5-6 महीना तो गंवा चुके होंगे। अब समय नहीं है गंवाने का, जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए, और क्विज सेशन को अटेंड कीजिए। हम प्रतिदिन 9 बजे आप लोग के लिए आ रहे हैं, इससे हमको कोई फायदा नहीं है। आप लोग के पास क्या प्रॉब्लम है ना, सर मेहनत कर रहे हैं तो जरूरी उनको कोई फायदा होगा। हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता है, और फायदे के लिए तो हम लोग पेड कोर्स चलाते ही हैं। कुछ हम लोगों का अपना एक दायित्व भी है, कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है इस समाज के प्रति, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने का प्रयास है। ये जो फ्री कोर्स हम लोग पढ़ाते हैं, YouTube पर आते हैं, YouTube से क्या होगा, कितना पैसा मिल सकता है, 10,000, 20,000, 30,000। और आप लोग को पता है ना, एजुकेशनल चैनल में कुछ माफिया लोग हैं, उनको बहुत टीचर, बहुत बड़ा बड़ा स्टूडियो बना के वो रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं, लेकिन जो समाज में ऐसे शिक्षक हैं जो कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए, उनको ये जो है ना मौका नहीं मिल रहा है। तो आप समझिए बात को, कि अगर आपके लिए कोई मेहनत कर रहा है तो वो आपके हित में है। अच्छा, मेरा क्या इससे हो जाएगा, कुछ भी होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आपका कोई लेना देना है? आप भाग लीजिए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नहीं बनता है जो क्वेश्चन उसको नोट कर लीजिए बाद में चलकर वीडियो देखकर, और उसको बार बार रिवाइज कीजिए। देखिए, परीक्षा का की फैक्टर है रिवीजन। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको कम्पीट करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिवीजन। पढ़ते बहुत बच्चे हैं, रिवीजन नहीं करते हैं, और एग्जामिनेशन हॉल में जाकर जो है उनकी कहानी समाप्त हो जाती है। तो मन लगाकर पढ़िए,
पढ़ाई से ज्यादा रिवीजन कीजिए और रिवीजन से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, ये नारा बनाइए। क्लियर है? आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं ये आज तक हमको समझ में नहीं आया। क्लियर है भाई? तो चलिए, आज हम आपका जुनून जगाने आए हैं और उम्मीद करते हैं कि मेरे इस वीडियो से आप लोगों के अंदर एक जज्बा जगा होगा कुछ करने का, कुछ कर गुजरने का, जिससे आपका, आपके परिवार का, आपका समाज को कुछ यश प्राप्त हो, आप समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाइए। ये एक ऐसा पोस्ट है जिस पर रहकर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर अब आपके मन में ही बेईमानी है तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये पद आपको वह मौका देगी। क्लियर है? तो चलिए भाई, आप लोग के साथ मेरा ये जो सेशन रहा वो कैसा रहा बताएंगे, और आज से ही लगेंगे। फिर कहते हैं, मेरा अंतिम बार आप लोगों से कहना है कि कल 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन हम लोग प्रण करेंगे कि इस बार नहीं छोड़ेंगे और नारा देंगे बर्दी मेरा जुनून। क्लियर है? बर्दी मेरा जुनून। तो चलिए, इसी नारे के साथ हम इस सेशन को समाप्त करते हैं और अगले सेशन में हम ये लेकर आएंगे कि कैसे तैयारी की जाए इस एग्जाम का। क्लियर है? तो चलिए मित्रों, एक बार फिर से जय हिंद जय भारत, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आज ही आप लोग को दे रहे हैं। तो चलिए, धन्यवाद।